आज मैं आपके साथ मेरा मोजड़ी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपना मोजड़ी कलेक्शन आपके साथ शेयर करने के लिए। काफी सारी मोजड़ी है और काफी वैरायटी की मोजड़ी है मेरे पास, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफी दिनों से परचेस कर रही थी और अभी एक कलेक्शन बन गया है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये कलेक्शन जो है बहुत ह्यूज कलेक्शन है, मेरे लिए ह्यूज है, किसी के लिए ह्यूज हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। किसी के पास इससे भी ज्यादा मोजड़ी होगी और किसी के पास नहीं होगी, तो इसी वजह से मेरे लिए ह्यूज कलेक्शन है। तो आपको सारी मोजड़ी दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी मोजड़ी है मेरे पास। और ये जो मोजड़ी ली है मैंने मीशो से ली है, और आपको तो पता ही होगा मीशो पे कितने ज्यादा रिजनेबल प्राइस में सारी चीजें आपको मिल जाती है, तो इसी वजह से मैंने ये मोजड़ी का कलेक्शन मीशो से बनाया है। और मीशो पे मुझे बहुत ही रिजनेबल रेट में ये सारी मोजड़ी मिल गई है, और एक से बढ़कर एक मोजड़ी है, और कंफर्टेबल भी बहुत ज्यादा है। आपके पैरों में कंफर्टेबल अगर नहीं होती है मोजड़ी, जो कंफर्टेबल नहीं है वो भी आपको बता दूंगी, अगर आपका फुटवेयर कंफर्टेबल नहीं होता है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मतलब पैरों में दर्द वगैरह हो सकता है। बट ये जो मोजड़ी है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब कंफर्ट का भी ध्यान दिया है उन्होंने, तो इसी वजह से मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ मोजड़ी किस तरह से है और सब कुछ उसके बारे में बता देती हूँ। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो मीशो का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपने आप मेरे लिंक से अगर मीशो डाउनलोड करते हो तो आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पे 30% ऑफ या 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी ज्यादा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो चले गाइस देख लेते हैं। सबसे पहली मोजड़ी है ये थोड़ी सी कलरफुल मोजड़ी है, मतलब किसी भी आउटफिट पे ये चल जाएगी। अगर आप लहंगा वगैरह पहनते हो तो भी आप इसे पहन सकते हो, अगर आप कोई भी इंडियन आउटफिट पहनते हो तो भी आप इसे पहन सकते हो, पटियाला वगैरह पहनते हो तो बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से ये मोजड़ी है, यहाँ पर पॉम पॉम लगाए हुए है, यहाँ पर थोड़े से क्या बोलते हैं घुंघरू लगाए हुए है। ये जो है ये घुंघरू है जो आपको येलो कलर की गोल्डन कलर के दिख रहा है, और जब आप चलते हो ना इस घुंघरू की वजह से, आपने अगर पायल भी नहीं पहनी है तो भी ये बजेंगे तो आपको पायल का फील आएगा। बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है गाइस, मल्टी कलर की है तो इसी वजह से आप कोई भी आउटफिट पे पहन सकते हो इसे। यहाँ पर ये पॉम पॉम दिए है तो इसकी वजह से लुक बहुत अच्छा आता है, और पीछे कुछ इस तरह से रबर का सोल है और आगे से कुछ इस तरह से है ये मोजड़ी। मुझे ये प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा पसंद आई गाइस। और उसके बाद सेकेंड मोजड़ी है ये, इसे भी आप किसी भी आउटफिट पे पहन सकते हो, मतलब कोई भी कलर का आउटफिट हो इसे आप पहन सकते हो, जैसे कि येल्लो है इसमें, ग्रीन है इसमें, इसमें पिंक है, गोल्डन है, काफी सारे कलर्स है इसमें, ब्लू है, तो इन कलर्स पे आप इसे पहन सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। और इसके पीछे भी इस तरह से रबर का सोल है और आगे से कुछ इस तरह से है, और हाँ इस पे रियल मिरर्स लगाए हुए है तो इसकी वजह से इसका लुक बहुत प्यारा आता है। बट ये रेगुलर वेयर के लिए नहीं है गाइस, पहले ही बता देती हूँ आपको, और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर आउटफिट पे पहनते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, बट रेगुलर वेयर के लिए नहीं है, रेगुलर वेयर पे आप इसे पहन नहीं सकते हो, ओकेजनली आप इसे पहन सकते हो। उसके बाद है ये वाली मोजड़ी, ये तो इसकी तो क्वालिटी पूछो ही मत, वाओ वाली क्वालिटी है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। ब्लू एंड गोल्डन कलर में है, इसकी यहाँ पर एक छोटा सा पॉम्पॉम दिया है और यहाँ पर स्टोन्स का ये जो क्या बोलते हैं जो पट्टी नहीं होती है उस टाइप में लगाई हुई है, और इसकी कंफर्ट की तो पूछो ही मत, ये कुशनिंग दी है यहाँ पे तो इसी वजह से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी आप जब पहनोगे इसे। और पीछे से ये रबर सोल है तो काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे, और क्वालिटी बेस्ड वाली क्वालिटी है, काफी ज्यादा अच्छी है गाइस, तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है ये वाली, इस पे मोती वर्क किया हुआ है और बहुत ही सुंदर दिखती है, मोती सीक्वेंस का वर्क है, मोती वर्क है। ये जो मटेरियल है ना वो चमड़ा नहीं बोलते हैं वो है, तो इसकी वजह से मतलब आपको पता है रियल वाली जो मोजड़ी आती है वो इसी मटेरियल में आती है, तो ये रियल मोजड़ी है, इसके पीछे भी यही वाला मटेरियल है, तो इसकी वजह से मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा अच्छी है गाइस,
और इसके पीछे भी इसी तरह से ये वर्क किया हुआ है। मरून कलर में ये मोजड़ी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई ये। और उसके बाद उसी मटेरियल की ये वाली मोजड़ी है, पहले जो दिखाई उसी मटेरियल में ये वाली मोजड़ी है। इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब पिंक, लाइट पिंक कलर में है ये, और कुछ इस तरह से डिटेलिंग दी है आप देख सकते हो। उसके बाद ऊपर से ना सिल्वर कलर की प्रिंट है, यहाँ पर कुछ धागे का वर्क किया है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरे सिल्वर कलर की प्रिंट है ये, तो इसकी वजह से इसका लुक बहुत प्यारा आता है। और ये वाली मोजड़ी भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इसकी अंदर जो कुशनिंग है इसकी वजह से बहुत ही कंफर्टेबल लगती है, और इसका जो पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद है गाइस ये वाली मोजड़ी, इसका लुक देखो काफी ज्यादा प्यारा लुक है, और इसके अंदर भी मल्टी कलर दिए है तो इसी वजह से ये भी कोई भी आउटफिट पे चल जाएगी। उसके बाद फिनिशिंग इसकी देखो काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर भी इसके वर्क है, यहाँ पर भी फ्रंट में वर्क है, पीछे आप सोल देखो चमड़े वाला सोल है, इसके अंदर भी सोल देखो, इसकी सिलाई देखो कितनी सुंदर है, बहुत ही अच्छी है क्वालिटी में भी और लुक वाइज भी, तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। और इसके अंदर जो कुशनिंग दी है वो भी बहुत अच्छी है। उसके बाद है गाइज ये वाली मोजड़ी, जो पहले मैंने दो मोजड़ी दिखाई ना उसी टाइप में ये वाली लाइट वेट मोजड़ी है, इसके पीछे रबर लगाया हुआ है, उसके बाद ये थोड़ा सा वेलवेट टाइप का मटेरियल है अंदर से, और उसके बाद ऊपर से देखो, ऊपर से ये एम्ब्रॉयडरी टाइप में, ये ऊपर से पूरी एम्ब्रॉयडरी की है, मतलब गोल्डन थ्रेड से, और उसके बाद यहाँ पर भी गोल्डन पट्टी लगाई है, इस तरह से ये मोजड़ी दिखती है। और प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी बहुत अच्छी है, मतलब कभी कभी पहनने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है ये भी। उसके बाद ये है रेड कलर की मोजड़ी, और इस पे भी मोती वर्क है, सीक्वेंस का वर्क है, और यहाँ पर भी मोती एंड सीक्वेंस का वर्क है, जैसे ये चमड़े की बनी है, उसके बाद पीछे भी ये चमड़ा लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से इसका लुक काफी ज्यादा अच्छा आता है और कंफर्टेबल भी है पहनने के बाद। और हाँ, ये जो मेरा मोजड़ी कलेक्शन है इसमें मैंने बहुत सारे कलर्स ऐड किए हैं, मतलब जो जो कलर्स के मेरे पास आउटफिट्स है उस पे मैंने मैचिंग वाली मोजड़ीज ली है, तो आपके पास जो भी कलर्स है, जो भी कलर्स के आउटफिट्स है उस पे आप मैचिंग मोजड़ीज ले सकते हो, इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल है गाइज, तो आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी की है ये और कंफर्टेबल भी है, मतलब अंदर जो कुशन दिया हुआ है उसकी वजह से कंफर्टेबल भी है, यहाँ पर भी कुशन दिया हुआ है, यहाँ पर भी कुशन दिया हुआ है। ये माहिका और मेरा साइज सेम है, इसी वजह से हमारा जो कलेक्शन होता है एक ही होता है, तो इसी वजह से वो भी कभी पहन सकती है, मैं भी कभी पहन सकती हूँ, इसीलिए इतनी सारी, मतलब उसके पास भी जो आउटफिट्स है उसके ऊपर भी हो जाएगी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाली इतनी ज्यादा मुझे पसंद आई, मतलब सेम ही है, उसी क्वालिटी में है, बट ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। इस कलर की मेरे पास कुर्ती भी है, आपको पता है, मतलब काफी सारी कुर्तीज है इस कलर की मेरे पास, तो ये मेरी बहुत ज्यादा यूज होने वाली मोजड़ी है, और कलर काफी ज्यादा प्रीटी है, तो इसका सोल भी काफी ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर कुशनिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी दी है, और उसके बाद कंफर्टेबल भी है, तो मुझे ये पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी है। इसके ऊपर ये ब्लू प्रिंट दी है, और यहाँ पर गोल्डन थ्रेड वर्क किया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पर भी, तो ये भी बहुत क्यूट मोजड़ी है, तो ये है लास्ट मोजड़ी मेरी। और गाइज अगर आपको इसमें से कोई मोजड़ी परचेस करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीशो का डाउनलोड लिंक दे दिया है, अगर आप मेरे लिंक से मीशो डाउनलोड करते हो तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपके फर्स्ट परचेस पे आपको 30% या 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका मैंने प्रोडक्ट कोड भी दे दिया है, आप प्रोडक्ट कोड अगर सर्च बार में टाइप करोगे तो ये मोजड़ी आपके सामने आ जाएगी, तो आप इसमें से कोई भी मोजड़ी परचेस कर सकते हो। और आगे आपको मीशो पे परचेस कैसे करना है तो वो क्लिप में दिखा देती हूँ आपको, पहले वो क्लिप देख लीजिए। हे गाइस, मीशो ऐप को यूज कैसे करना है वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे आपको क्लिक करना है और उससे आपको मीशो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मीशो ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद अगर आप मीशो ऐप में एंटर करोगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा और वहां पर आपको सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपके घर के लिए, आपके किचन के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। कोई भी कैटेगरी के प्रोडक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करके परचेस कर सकते हो, जैसे कि अभी ये साड़ी मुझे पसंद आ गई, इसे मुझे परचेस करना है तो इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इसे ऐड टू कार्ट कर लिया, जिसमें आपको साइज सिलेक्ट करनी होती है तो साइज का ऑप्शन भी आ जाता है वहाँ पे। अभी यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी करना है, ऑनलाइन करना है या पेटीएम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पर मैंने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया है, और बीच में आपको एड्रेस भी मांगेगा, एड्रेस मैंने हाइड कर दिया था इसी वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं। उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर कर देना है, प्लेस ऑर्डर हो जाने के बाद इस तरह का राइट का साइन आएगा और आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका होगा, बस आपको कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करना है और आपकी शॉपिंग कंटिन्यू करनी है। देखा ना आपने, बहुत ही सिंपल है गाइज मीशो ऐप को यूज। आई होप गाइज आपको ये मेरा मोजड़ी कलेक्शन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना,
शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको अगर मोजड़ी परचेस करनी है तो उनको भी हेल्प मिल जाए। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है गाइज, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए यार, हमें 100 के तक जल्दी से पहुंचना है। और हाँ, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइज।